कस्बा हसाइन में धूमधाम से निकाली गई माँ काली की भव्य शोभा यात्रा, सुरक्षा में पुलिस रही मुस्तैद। आपको बता दें कि हसाइन कस्बे में नवमी के दिन माँ काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कस्बे के साथ साथ आसपास के गांवों के भक्त और श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इसी क्रम में आज कस्बे में माँ काली की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा गंगा जी मंदिर से शुरू होकर कस्बा के बाजारों में होती हुई पथवारी मंदिर पर जाकर समापन हो गई। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कस्बा इंचार्ज पुलिस पीएसी बल के साथ शोभा यात्रा और उसमें शामिल श्रद्धालुओं की सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। रावण दहन का कार्यक्रम है, बहुत ही भव्य तरीके से अंडौली रोड पर भूदेवी दिल्ली कॉलेज के सामने लगाया गया। कितने बजे से होगा ये? शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। इसमें कौन कौन सी झांकियां होंगी? इसमें रामचंद्र जी की झांकी होगी, काली माँ की झांकी होगी, बैंडबाजी और डीजे के साथ इसका उद्घाटन माननीय मुख्य उपाध्यक्ष जी करेंगे। पथवारी के मंदिर तक माँ काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है श्री राम युवा क्लब के द्वारा, और इस बार रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरी शर्मा जी के और पूर्ण कमेटी के सहयोग से माँ काली की भव्य शोभा यात्रा। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि सैकड़ों वर्ष से यहाँ रामलीला हो रही है। रामलीला के बाद नवमी के दिन ये काली की शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है, और ये यहाँ से श्री गंगा जी मंदिर से और पूरे नगर में भ्रमण करके और ये पथवारी पे जाते हैं। ये माता काली का मेला है और ये बहुत ही पुराना मेला है। नगर पंचायत हसाइन में काफ़ी समय से ये काली का मेला निकलता चला आ रहा है। इससे जो भी संकट आते हैं वो दूर होते हैं और काली की सेवा करने से बहुत सारे संकट दूर होते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरे कस्बे में आज काली माता का भ्रमण होगा और सभी की मनोकामना भी पूर्ण होगी। जगह जगह आरतियाँ होंगी और लोग अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए काली की सेवा भी कर रहे हैं।